बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ आपका दोस्त दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह सुबह का टाइम है, छुट्टी का दिन है, हम प्रोग्राम बना रहे हैं ब्रिस्टल जाने का। यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव है और आज शदीद दर्दी है। ब्रिस्टल क्यों जा रहे हैं, वहाँ हमारे एक दोस्त है, हम इंशाल्लाह उनसे मिलेंगे और हो सका तो आपको ब्रिस्टल दिखाने की कोशिश करेंगे। इधर इंग्लैंड में कुछ दिन से काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। इस वक्त टेम्परेचर -4 है और रात को -7 बता रहा था मेरा मोबाइल। मुझे देखिए हर चीज़ फ्रीज हुई हुई है। सूरज निकला हुआ और आसमान भी क्लियर है। ये लगता अगर बादल आए तो बर्फबारी का अमकान वाजे है। ब्रिस्टल की तरफ हमने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। अभी हम पहुंचे हैं अपने लोकल हाईवेकम के शेल पेट्रोल पंप पे। यहाँ से हम पेट्रोल फिल कराएंगे और इंशाल्लाह सफ़र की तरफ रवाना होंगे। आज अच्छी खासी धूप निकली हुई है और सर्दी भी अरूज पे ही है। इस सफ़र में मेरे साथ आमिर है और इंशाल्लाह हम इस टाइम M4 पे पहुँच गए हैं। तकरीबन 1.5 आवर में ब्रिस्टल पहुँच जाएंगे। ट्रैफिक की सूरत हाल ठीक है, ज़्यादा बिजी रोड्स नहीं है। इस वक्त हम M4 पे हैं और रेडिंग से गुजर रहे हैं। ब्रिस्टल के हदूद में हम आहिस्ता दाखिल होना शुरू हो गए हैं। अभी एग्जिट लिया है, इधर से मोटरवे से हम ब्रिस्टल पहुंच चुके हैं। उन जिन साहिब से मिलना है उनके स्ट्रीट में खड़े हुए इस टाइम, उनसे मुलाकात होगी अभी थोड़ी देर में। यहाँ पर मकानों की कंस्ट्रक्शन कुछ डिफरेंट है। ये देखें, ये बकायदा स्टोन के बने हुए हैं, पत्थरों के। अभी हम आए हैं यहाँ मस्जिद। फैजान मदीना और यहाँ हम नमाज पढ़ेंगे। वुज़ू के लिए काफ़ी अच्छी जगह जहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर हलाल रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, छोटी मोटी सी शॉप वगैरह, पकीज़ा बाइट्स। यहाँ से हम लेने आए हैं नान। अभी और ये मस्जिद के इर्द गिर्द वाला एरिया है जिस मस्जिद में हमने नमाज़ पढ़ी थी, उसी के बिल्कुल करीब है। अच्छा बेटा, तेरा टिश्यू पेपर से लेके आइएगा। डॉक्टर साहब ने काफी तकल्लुफ किया। बिल्कुल लंबे रुख ठीक रहेंगे।
अच्छा हाँ जी क्या बात है। वो चम्मच किधर है? कड़ा पहले खाना चाहिए है क्या है? गुलाब जामुन तो उंदी मीठा होता है। मैं भी यही कहने लगा था। गाजर के हलवे का टेस्ट खत्म हो जाना है। इस वक्त हम ब्रिस्टल में शाम को निकले और हमारे जो मेज़बान हैं डॉक्टर साहब, उन्हें हमारी काफ़ी तवाज़ा की थी, आपने देखा ही होगा। हम जा रहे हैं यहाँ पर मशहूर दही देखने, कहते हैं उसको रात में देखें तो काफ़ी अच्छा लगता है। इस जगह हमने गाड़ी पार्क की है और यहाँ से वॉक करते हुए हम ब्रिज की तरफ जाएंगे। क्लिफ्टन सस्पेंशन ब्रिज का जो साइन है और इसका टूल भी है 1 pound। अगर आप गाड़ी में इसके ऊपर से गुजरें तो आपको 1 pound टूल पे करना होगा। ओवरऑल सिटी सेंटर के अलावा, सिटी सेंटर के मेरे पास वीडियो नहीं है, वहाँ पर गाड़ी भी गुजरे थे, ब्रिस्टल इतना बिजी नहीं है। अब देखते हैं ब्रिज जाकर इधर वो बिजी एरिया है या नहीं। अभी हम ब्रिज के ऊपर से गुजरेंगे और कोशिश करेंगे साइड से कहीं नीचे उतर के इसका पूरा व्यू लें, देखते हैं कोई ऑप्शन है या कि नहीं। ये टूल ऑफिस है, टूल हाउस कहते हैं इसको, और इस पर रनिंग मना है। ये काफ़ी पुराना ब्रिज है ब्रिस्टल का। और कहते हैं कि इसमें पिलर कोई नहीं है, इसलिए इसको सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। अंधेरा है पर ब्रिज के ऊपर से ब्रिस्टल का व्यू नज़र आ रहा है। और यहाँ पर टूल पे पैक करना आता है, ये गाड़ियाँ टूल पे कर रही हैं और यहाँ से गुजर रही हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। और ये देखें अंधेरा है पर इसका कोई नीचे सपोर्ट नहीं है, वो नीचे रिवर है। हम ब्रिज पूरा क्रॉस किया और हम वापस जा रहे हैं ब्रिज के ऊपर से। इधर थोड़ी सी लाइटिंग है और दूसरी तरफ पत्थर है, पत्थर का पहाड़ सा है। ये ब्रिस्टल का सिटी सेंटर है। ये देखें गाड़ी की हालत,
ये बिल्कुल फ्रीज हुई हुई है। मैंने ऑन किया, अब देखते हैं कितनी देर लगती है इस पर आइस मेल्ट होते हुए। वो सामने वाले छत में काफ़ी तादाद में कबूतर आके बैठे हुए हैं। रात को हम हरिये से ब्रिस्टल से वापस पहुंच चुके थे, और ये देखें मौसम अभी भी सर्द है। इस टाइम -4। उम्मीद करते हैं कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।